को आलस लग रहा है, अम्मी मेरे से बोल रहा मेरे को आलस लग रहा है मैं क्या करूं। हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग आप सभी को। अभी अभी सो के उठी हूँ, फ्रेश हुई हूँ और अब मैं ब्रेकफास्ट करने वाली हूँ। और अभी की बात करूँ तो मैं अकेली हूँ, घर वाले शिमला से गाँव चले गए हैं और अब मैं यहाँ पर अकेली रहने वाली हूँ। तो अभी थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ, तो चलिए आपको दिखाते हैं ब्रेकफास्ट में क्या खाने वाली हूँ। उसके बाद आज के ब्लॉग में मैं आप सभी के साथ बहुत कुछ शेयर करने वाली हूँ, डेली रूटीन और इसके अलावा मैं आज क्या क्या करने वाली हूँ आगे की वीडियो में आप देखिए। फ्रेंड्स, आज ब्रेकफास्ट में मैं क्या क्या करने वाली हूँ वो आपको दिखा देती हूँ। आज मैं ब्रेकफास्ट में सबसे पहले मेरी फेवरेट टी, क्योंकि चाय के बिना मेरा दिन नहीं जो है चलता। उसके बाद यहाँ पे जो है ब्रेड ऑमलेट, आप देख सकते हो ब्रेड ऑमलेट खाने वाली हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे माल पोहा है, बच गया था एक्चुअली, ये मैंने बनाया था कल और शाम को ही बनाया था तो ये थोड़ा सा बच गया था, तो मैंने सोचा ब्रेकफास्ट में भी इसको खा लूँ। और साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो ये है अपना टोमेटो केचप, तो ये ब्रेकफास्ट जो है मैं इसकी करने वाली हूँ। तो फटाफट से मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फिर आप सभी के साथ कुछ शेयर भी करना है। वैसे तो डेली रूटीन भी शेयर करनी है मुझे, बट उसके अलावा भी मुझे आप सभी के साथ कुछ शेयर करना है। पिछली वीडियो आप सभी को याद ही होगी, मैंने आपके साथ कुछ गिफ्ट शेयर की थी, तो वही पार्ट टू मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो आगे की वीडियो में आप देखिए। तो मैं फटाफट से ब्रेकफास्ट फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद आप सभी से मिलती हूँ। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब मैं आज आपको, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं आज घर पे ही हूँ और घर पे क्या करने वाली हूँ वो आपके सभी के साथ मैं शेयर करूँगी। तो आज का जो मेरा सबसे बड़ा टास्क है, वैसे मैं करने जा रही हूँ अपनी अलमीरा को सेट करना। बहुत ही ज़्यादा इसमें कबाड़ पड़ा है, कपड़ों को आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा मैसी है, तो अब इनको एक एक करके सेट कर लेती हूँ। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलमीरा को सेट करना सबसे बड़ा टास्क है, आप सभी ये जानते हैं, जितनी भी गर्ल्स हैं वो सभी जानती है। यहाँ पर जो क्लोथ्स हैं आप देख सकते हो, हर किसी मैंने फोल्ड करके डाले, क्योंकि अभी पिछले 2 से 3 दिन में मैं बहुत ज्यादा बिजी थी। अब मैं अपनी अलमीरा को ऑर्गेनाइज करूंगी, सबसे पहले इन कपड़ों को बाहर निकाल देती हूँ। अच्छे से रखना होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे पता कौन सी वाली फीलिंग आ रही है, वो नहीं होता है सेल नहीं लगी होती है 500-300 वो वाली फीलिंग मुझे आ रही है। फाइनली इसको मैंने खाली कर दिया है, ले लो 500 में मेरे टॉप ले लो। ओह गॉड, ये देखो गाइस, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये ना वैसे मेरी मेकअप किट है, बट इसमें आपको मेकअप के 3-4 सामान मिलेंगे। और इसमें आपको मिलेगा कंसीलर, मिलेगा आई शेडो, मिलेगा फाउंडेशन। वो फाउंडेशन ऐसा है कि वो सिर्फ एक बार यूज किया गया, बाकी वो यूज ही नहीं किया। लिपस्टिक्स मिलेंगे, बाकी जो होता नहीं है प्लकर्स होते हैं और क्या बोलूँ, अब नेल कटर होता है, तो उस तरह की सीजर वगैरह, उस तरह की चीजें इसमें मेरे मेकअप बॉक्स में। ये इसमें बहुत कुछ कबाड़ पड़ा, इसको भी मुझे सेट करना है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया ना, मैं काफी टाइम से गांव में थी, शिमला में नहीं थी, तो उसकी वजह से मेरे लिए थोड़ा सा यहाँ पे टास्क बन जाता है। ये देखो खुद ही मेरी हेल्प कर रहे हैं, ये कपड़े बाहर आ गए। अब तो ये देखो, अब तो इन्होंने भी जवाब देना शुरू कर दिया कि समृति प्लीज हमें थोड़ा सा सेट करके रख लो, बेचारे रो रहे हैं मेरे कपड़े। और अब मैं ये भी सोच रही हूँ कि कुछ जो मेरे सूट्स है ना, यूनिवर्सिटी टाइम में जो होते थे सूट्स, तो अब मैं सोच रही हूँ कि उनको ना मैं घर लेके जाऊंगी यार, क्योंकि गांव में होता है ना कभी शादी हो, कभी ऐसे गांव में यूज हो जाते हैं, शिमला मैंने ज्यादा पहन नहीं जाते, ज्यादा ठंड होती है, तो जींस में काम चल जाता है। को आलस लग रहा है, मम्मी ने बोला मैंने पूरा बेड पे फैला दिया है। यहाँ देखो ये सॉक्स भी ऐसा लग रहा है, ये कोई एक मिल रहा है एक नहीं मिल रहा है मुझे, मैं क्या करूँ। यहाँ देखो ये शू लाइनर, ये सॉक्स है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर मेरी मम्मा इस ब्लॉग को देखेंगे ना और भैया देखेंगे ना, उड़ा देंगे मेरे को, मैं डर है मेरा, क्योंकि आज तक ना उनके सामने मैंने ऐसे शो नहीं किया कि कपड़ों का ना कि कितने, पर उनको पता है कि इसकी अलमीरा में भर भर के पड़े हुए हैं। बट अगर वो इस ब्लॉग को देखेंगे ना, वो सोचेंगे यार इसको तो हम अगले 5 से 10 सालों में कपड़े ना लें, क्योंकि आज से पहले मेरा ऐसा रहा ही नहीं है। आज से पहले मेरा पता कैसा रहा है कि मतलब मैं लेती थी, यूज करती थी और फिर उसके बाद फेंक देने,
बट अब ऐसा कि लिए 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 क्योंकि लॉकडाउन भी था ना इन पिछले 2 सालों में, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। इसमें रखी हुई है हमने साथ ये वाला जो पाउच है ना, इसमें वो पेयर ऑफ 3 वाली टी शर्ट होती है ना, भैया लेके आए थे मेरे लिए, मुझे आज भी याद है। तो ये वाले मैंने कुछ रख लिए हैं और कुछ मैंने नए खरीदे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाले ये मैंने नुमेरो से लिए थे, अब इनको हम साथ में ही रख लेंगे। मैं सोच रही हूँ ये वाले भी इसमें शिफ्ट कर लेती हूँ, पर या फिर इनको अलग अलग रखती हूँ, क्योंकि ये तो मैंने एक बार भी यूज़ नहीं किया। पेयर ऑफ 3 है, बाकी ये भी यार सारे नए ही है, इसमें से 2-3 पेयर ऐसे जो बिल्कुल नए हैं, सिर्फ एक एक बार रहेंगे। तो ये बड़ी मुश्किल से मैंने किया है और बाकी अब मैं करूँगी। ये कुछ एक सॉक्स मैं ऐसा सोच रही हूँ कि इनको फेंक देना है, मैंने कुछ मोटे भी है ना सर्दियों के लिए, यहाँ पे आपको पता ही ज़रूरत पड़ती है। तो मेरे को आलस लग रहा है, मैं समझ नहीं हो रहा मैं क्या करूँ, बट तो रखनी होगी ना मुझे। सो फ्रेंड्स, कुछ एक ढेर पीछे है और कुछ ये है, तो अब मैं ट्राई करूँगी ऊपर से नीचे की तरफ हम इनको असेंबल कर देंगे। गर्मियाँ क्योंकि आ रही है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रखूंगी गर्मियों वाले कपड़े। टी शर्ट से मैंने स्टार्टिंग कर दी, कुछ कपड़े भी गाइस ये कुर्ता मैं फोल्ड कर दूँ, और इसको फोल्ड करते हुए मुझे याद आई 2 साल हो गए इस कुर्ते को, ये मैंने देखी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बट ये इसको 2 साल हो गए, मैंने इसको थोड़ा सा स्टिच करवा रहा था, मैं करवा नहीं पाई और मुझे इसे ऐसे ही यहाँ पे रखना पड़ेगा, जब तक स्टिच नहीं होता तब तक मैं इसको पहन नहीं सकती। और साथ साथ क्या करूँगी यहाँ पे पता ही नहीं कसम कपड़ों का ये क्या है, अच्छा ठीक है पता ही नहीं चलता कसम, ये मुझे बहुत प्यारी लगती है ये, मैं इसको ना मैं यूनिवर्सिटी में पहना करती हूँ। मुझे सबसे अच्छी चीज़ ना इसकी ये लगती है, इसमें आप देख रहे हो ये चिड़िया सी बनी हुई है और ये इतना सुंदर सा है, और यहाँ भी चिड़िया है, इसलिए मुझे पसंद थी। बाकी ये बिल्कुल ही है, मतलब बिल्कुल ही जिसको सिंपल सा कुर्ता बोलते हैं ना, बिल्कुल सिंपल सा कुर्ता है। इसको सबसे पहले सबसे नीचे रखूँगी, इसको मैं पहनती नहीं हूँ, बहुत कम पहनती हूँ, पहनना भी इसके ऊपर हम इसको रखेंगे, इसके ऊपर जो मेरी पहन लगती है। फाइनली गाइज मैंने इन सबको अरेंज कर दिया, मेरी जान निकल गई है क्योंकि उथल पुथल इसमें था बचा हुआ और पता नहीं चल रहा था कौन से कपड़े कहाँ है, कौन से कपड़े, क्योंकि मैं सेटिंग करके रखती हूँ ना, जैसे कि विंटर वाले एक तरफ, समर वाले एक तरफ, और जो घर पे पहनने वाले कपड़े होते हैं वो एक तरफ। तो सबसे नीचे मैंने रखे हैं सारे घर में जितने भी मैं कपड़े पहनती हूँ, उसी ऊपर मैंने विंटर वाले सारे रख दिए हैं, जैसे स्वेटर्स है, जैकेट्स है, या फिर मेरे कुछ सूट्स हैं जो मैं अब नहीं पहन रही हूँ, जो मैंने बोला ना गाँव ले जाने वो वाले, और ऊपर मैंने अभी रखा है जो यहाँ पे मैंने रखा है अपने टॉप्स और टी शर्ट्स, 2-3 यहाँ पे लटकाए हुए क्योंकि ऑलरेडी प्रेस किए हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों उनको ख़राब करें है ना, तो कभी ऐसे जाना पड़े तो फिर सबके लिए ठीक है कि ऑलरेडी प्रेस होगी या फिर टी शर्ट पहनूंगी तो टी शर्ट पर उतनी टेंशन नहीं रहती है। तो यहाँ पे मैंने जीन्स, जैगिंग जो भी है, ये 2-3 जो मैंने लास्ट ब्लॉग में आपको दिखाया था कि मैंने शॉपिंग की है लिवाइस से, तो ये वो है, और साथ में मैंने यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट फाइल जो होती है मेरी वो मैं यहाँ पे रखती हूँ अपने में, और कुर्तीज़ रखी मैंने यहाँ पे, बाकी मैंने जितनी भी कुर्तीज़ हैं वो सारी गांव लेके गई थी, बट यही रखी है मैंने यहाँ पे 2-3 कुर्तीज़ रख सकते हैं, बस ये मैंने सेटिंग कर ली, पर्स वगैरह भी अच्छे से रखी है, छोटे छोटे पर्स रखे, बाकी दूसरी अलमीरा में ऊपर मैं रखती हूँ टॉप पे अपने पर्स, ये वाला जो है ना, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे मैं अपने पर्स रखती हूँ, यहाँ आप देख रहे हो पैकेट से अभी निकालने के लिए, और यहाँ पे पर्स भी पड़े हुए हैं, तो जो बड़े वाले बैग्स होते हैं मेरे वो मैं वहाँ ऊपर रखती हूँ, और जो धोने वाले वो भी मैंने निकाल दिए, और बस यही था। So friends, मैंने अपनी अलमीरा को सेट कर दिया, आप सभी ने देखा कि कैसे मैंने, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, और अब जो है वो टाइम आ गया है कि मैं आप सभी के साथ जो ये गिफ्ट्स थी इनको शेयर करूं कि क्या क्या मुझे मिला है, एक एक करके मैं आपको ये दिखाती हूँ। सबसे पहले यहाँ छोटू सा गिफ्ट है, मैं सबसे पहले इसको ओपन कर लेती हूँ, इसमें एक छोटा सा पाउच है, ऐसा ऐसा पाउच है, इसको ओपन करेंगे, इसमें प्यारा सा की रिंग है, आप देख सकते हो कितना सुंदर है, बहुत अच्छा की रिंग है, इसमें भी फोटो है। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास, मैं आपको बता दूँ, एक और बॉक्स है, इसमें क्या होगा, ओह गॉड, कूड़ा, यहाँ पे आप देख सकते हो, उसको ओपन में कर लेती हूँ, यहाँ पे क्या है, क्या सा लग रहा है, पता नहीं क्या ही है। ओके, सो ये मैं आपको बता दूं, ये डेज वाइज है, लाइक आप देख सकते हो ना यहाँ पे, ये है सबसे पहले रोज डे के लिए, उसके बाद है प्रपोज डे के लिए, मतलब अलग अलग डेज के हिसाब से जो ये रोज डे है
इसमें एक यहाँ पे कार्ड है, मुझे ऐसे लगता है हर एक जो पाउच है उसमें कार्ड है, क्योंकि यहाँ पे ये रोज रोज मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखो रोज यार बहुत ज़्यादा फनी है पर अच्छा भी है, अच्छा सा है। तो पहला हमारा ये था रोज डे वाला, रोज डे। तो नेक्स्ट यहाँ पे है प्रपोज डे वाला। प्रपोज डे में यहाँ पे इतने प्यार से इसमें आप देख सकते हो अलग अलग उससे आए, इसमें आए और क्या है, लव है ना, यू दिख रहा होगा आपको, मुझे बहुत अच्छा लगा ये, बहुत अच्छा, बहुत प्यार। इसमें भी कार्ड है जिस तरह का मैंने आपको कार्ड दिखाया है ना, चॉकलेट डे का देखते हैं अब। चॉकलेट ऑब्वियस ही बात है, चॉकलेट डे वाले में तो एक कार्ड होगा और चॉकलेट होगी। हाँ चॉकलेट है इसमें एक डाली हुई, यहाँ पे आप देख सकते हो सही क्या। और इसके अलावा और देखते हैं हम टेडी डे वाले में, देखते हैं टेडी डे वाले को। इसमें ना स्मृति लिखा है बहुत प्यारा सा, देख सकते हो बहुत प्यारा है। और इसमें टेडी है। प्रॉमिस डे का देखते हैं, प्रॉमिस डे वाले में भी कार्ड ही होंगे। हाँ कार्ड्स टाइप है, लाइक ये ना ऐसा है कि अगर आप किसी से मिल नहीं सकते हो ना डेली डेली, तो उनको देने के लिए हग डे के लिए, देखिए यहाँ पे ये है हग डे के लिए बहुत प्यारा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब जाएंगे हम किस डे पे, देखते हैं। ओ माय गॉड सो क्यूट ये बहुत फनी है, बट ये आप देख रहे हो बट इसमें ना टॉफीज है छोटी छोटी, जो वो किसमी वाली टॉफीज होती है ना, वो टॉफीज है इसमें। और कार्ड भी है हर एक जो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ ना एनवलप, उसमें सब में जो है कार्ड है। और यहाँ पे फाइनली हमारे पास वैलेंटाइंस डे, वैलेंटाइंस डे वाला आ गया है, तो उसमें भी कार्ड है। और साथ साथ आपको बता दूँ यहाँ पे एक पजल सा है, पजल क्या है ये, इसमें ना कुछ हार्ट टाइप शो सा हो रहा है कुछ, ये ना ऐसा ऐसा शो हो रहा है कुछ, मुझे लग रहा है ये किसी का फेस या कुछ वैसा है, मैंने इसको नहीं ओपन किया। अच्छा ये तो मेरी फोटो है, देख रहे हो आप, ये मैं ही हूँ। अच्छा ये पजल जैसा है जिसमें कि मेरी फोटो है, आप देख सकते हो यहाँ पे दिख रही होगी आपको मेरी फोटो। हाँ बहुत प्यारा है, अच्छा लगा मुझे, मैंने सोचा मैं इसमें भी कार्ड होगा। तो ये थी जो मैंने आपको ये दो छोटी छोटी गिफ्ट्स दिखाई। अब एक और बॉक्स है, इसमें कुछ तो है बट मैंने ओपन करके नहीं देखा। अच्छा ओ माय गॉड ये मुझे लग रहा है जो मैं सोच रही हूँ ये ना वही है, लाइक वो होता नहीं है वो जिसमें फोटोज ही फोटोज होती हैं। मैं सबसे पहले ना आपको उसको फ्रेंड से दिखा देती हूँ, फ्रेंड से आप देखते हो उनकी लाइट पर भी है ना, इसमें हैप्पी वैलेंटाइंस डे लिखा, तो मैं आपको दिखा देती हूँ पूरा खोल के ना, क्योंकि मैंने भी अभी तक नहीं देखा है, इसको पूरा खोलती हूँ। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें पहले क्लियरली दिख नहीं रहा था ना, ये मेरी फोटो और बहुत प्यारा मुझे लग रहा है, मैं इसको ओपन करती हूँ। टन टन मेरी फोटोज, इसमें सिर्फ ये ही नहीं और भी मेरी बहुत सारी फोटोज है, मुझे बहुत अच्छा ये लगा है, बहुत अच्छा। मेरी प्यारी प्यारी फोटोज है जो मुझे खुद भी पसंद है, लाइक मेरी हर एक फोटो ऐसी होती है ना कि जो मुझे पसंद नहीं होती है, बहुत प्यारी है, बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत ज़्यादा अच्छा। ये देखिए ये फोटोज़ हैं मेरी इसमें, ये देखिए ये सारी फोटोज़ हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो ये दो चॉकलेट्स हैं और एक और यहाँ पे बॉक्स ओपन के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें हम दोनों की फोटोज़ हैं, हीरो ने लगाई है, यहाँ देखिए ये। इसके अलावा और दिखाते हैं आपको, ओ माय गॉड ये तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। और इसमें आप देख रहे हो जिमी भी है इसमें, इसमें जिमी भी है और इसमें एला भी है, वाओ सो क्यूट। और एक और यहाँ पे बॉक्स है, इसमें हार्ट हार्ट बन, इसके अंदर कुछ है, वाओ सो क्यूट, कितना प्यारा है यार ये, बहुत प्यारा। इसको मैं ओपन कर लेती हूँ ना, पता नहीं क्या लिखा होगा इसमें, हम इसको पढ़ेंगे। वाओ अच्छा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या लिखा है, विद माई नेम, बहुत प्यारा है और मुझे स्पेशली ये फोटोज़ बहुत अच्छी लगी हैं, थैंक यू सो मच। सो गाइज ये मुझे बहुत सबसे अभी तक की सबसे अच्छी गिफ्ट मुझे फोटोज़ वाली लगी है। इसके अलावा यहाँ पे ना कुछ है पाउच सा, मैंने इसको ओपन नहीं किया है, ये तो फिर भी थोड़ा ऐसा था कि जो बाकी गिफ्ट्स थी इनका आइडिया थोड़ा बहुत लग ही जाता है ना कि क्या है, बट ये पता नहीं क्या है यार गाइज,
मुझे तो ना बाहर से पाउच ऐसा लग रहा है जैसे वो ट्राईपॉड स्टैंड का होता है ना, वैसा सा पाउच लग रहा है। पता नहीं कुछ रैप किया हुआ है, इसको ओपन करेंगे। बट इसमें चॉकलेट भी है, ये क्लिप्स ही है इसमें, मुझे नहीं पता, अभी मुझे पूरा खोल के देखना होगा क्या है इसके अंदर। बट इसमें ओ माय गॉड, ठीक है, ये तो लाइट सी लग रही है, 3D लाइट सी। मुझे कुछ अब डाउट हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो और इसमें दो चॉकलेट्स हैं और बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी चॉकलेट्स हैं। इसको ओपन करके देख लेती हूँ मैं ना, आई डोंट नो इसमें क्या है, क्योंकि बहुत अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या ही है। मैं सीजर लेके आ गई, सीजर से कट करती हूँ, इसमें सेलो टेप ही सेलो टेप लगी हुई है, थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है इसको ओपन करना है। यार मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा ये चीज़ है क्या। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफिकल्ट है ओपन करना, मैं तो इसको ओपन करके थक जाऊँगी और मुझे पता नहीं चलेगा मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कुछ कुछ यहाँ पे सुलझने लग गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो यार क्या है ये, मेरे लिए ऐसी चीज़ को ओपन करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्या है ये कसम। बट इसको सुलझाना तो पड़ेगा यार, तभी तो पता चलेगा ये है क्या है। बट जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, ये ना फोटोज के लिए आई थी, वो क्लिप्स और उससे वो LED लाइट से मैंने थोड़ा सा आइडिया लगा दिया इसके लिए। ये जो डोरियां सी है इसमें बहुत प्यारी है। अच्छा ये पक्का लटकाने वाला होगा। हाँ मैं भी सोचूं मुझे इतना डिफिकल्ट क्यों लग रहा है ये। जहाँ तक मेरा मेरा एक्सपीरियंस है, मतलब मैं सोच सकती हूँ जहाँ तक, ये ना कुछ फोटोज फोटोज से रिलेटेड होगा क्योंकि इसमें LED लाइट्स भी दी हुई है ना, और यहाँ पे ये क्लिप्स भी दी हुई है। चलो दिखाएंगे आपको, कभी मैं इसको जोड़ पाई ढंग से लगा पाई तो आप सभी को दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स यही थी गिफ्ट्स जो मुझे आज फिर से रिसीव हुई है। जितनी भी गिफ्ट्स मैंने आप सभी के साथ शेयर की, चाहे पार्ट वन की बात करूं, पार्ट टू की बात करूं, तो जितनी भी ये गिफ्ट्स हैं अगर कोई भी मंगवाना चाहता है तो इनका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है। अगर आप चाहते हैं आपको ये गिफ्ट्स अच्छी लगी हैं तो आप उस ऑनलाइन साइट से मंगवा सकते हैं। अगर आप में से कोई मेरे यूट्यूब चैनल पर नया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ऑल पे कर दें, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं पोस्ट करूँ आप सभी तक नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर पहुँचती रहे। और जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन सभी का थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि आप सभी जब भी मेरी वीडियोस को देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, मैं उतनी ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आने वाली जितनी भी मेरी वीडियोस रहे वो इंटरेस्टिंग रहें। तो अगर आप चाहते हैं कि इससे भी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए लेकर आऊँ तो ज़रूर मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। तो ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।